आज के वीडियो में बेटा हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, प्रिंसिपल यानी ही थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और हम उसका प्रूफ भी देखेंगे। तो चलिए आइए। तो प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, प्रिंसिपल यानी ही थ्योरम, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, क्या होता है बेटा? तो उसके लिए एक फिगर देखिए। यह है एक रिजिड बॉडी, इसी को हम बोलेंगे प्लेन लैमिना। तो प्रश्न आता है कि सर ये प्लेन लैमिना क्या है? तो वो रिजिड बॉडी जिसका सरफेस प्लेन हो, जैसे कि मान लीजिए ये एक रिजिड बॉडी और इसका ये प्लेन है, देखो ये प्लेन है ना ऐसा, तो इसका ये जो प्लेन है वो कैसा है? प्लेन है, ऐसा सपाट है। तो ऐसे रिजिड बॉडी को बोला जाता है प्लेन लैमिना, प्लेन लैमिना। तो ये रिजिड बॉडी कैसी? उसका प्लेन ऐसा, ये सपाट है, प्लेन है, इसलिए ऐसे रिजिड बॉडी को बोला जाता है प्लेन लैमिना। ओके, अच्छा, तो इसमें बेटा अभी देखिए तीन एक्सिस रहेंगे, थ्री एक्सिस। ये कोई भी पॉइंट हमने लिया, ओ पॉइंट लिया। ओके, तो ये एक्सिस देखो बेटा थोड़ा, ये एक्सिस, तो ये एक्सिस क्या है? इस प्लेन लैमिना के सरफेस को परपेंडिकुलर। तो ये जेड एक्सिस, कौन सा एक्सिस बेटा? जेड एक्सिस। अच्छा, और ये वाला एक्सिस देखो, ये एक्सिस, ये एक्सिस जो है इसको एक्स एक्सिस बोलिए। ओके, और ये जो है ये वाई एक्सिस। तो इसमें देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे है, ये इन द प्लेन ऑफ लैमिना, मतलब इन द प्लेन लैमिना है, इन द प्लेन लैमिना यानी प्लेन लैमिना को पैरेलल। ये देखो एक्स बी एक्सिस जो है वो इस लैमिना को पैरेलल है, वाई एक्सिस भी जो है इस प्लेन लैमिना को पैरेलल है। तो इसलिए ये एक्स और वाई कहाँ है? इन द प्लेन ऑफ द लैमिना है, और ये जेड क्या है? परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये तीनों एक्सिस जो है बेटा एक जगह मिल रहे हैं, एक जगह, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। ओके ओके, लेकिन इसमें मैंने बताया ये जो जेड है, जेड है, ये क्या है? जेड इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, और एक्स और वाई क्या है? ये दोनों एक्सिस इन द प्लेन है। तो ये फिगर के द्वारा हम यहाँ देखेंगे। देखो तो ये फिगर मैंने आपको बताया कि फिगर ये एक्चुअली ऐसी नहीं है, ये ऐसी है, ऐसी हम एयर में उसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसी ड्रॉ की है। तो पहले ये पॉइंट ओ, ओके, ओ पॉइंट ये, ठीक है, ये वो परपेंडिकुलर एक्सिस जेड, ओके, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओके, हाँ, एक्स एक्सिस, ये रिजिड बॉडी, यहां लिख लेता हूं, रिजिड बॉडी यानी प्लेन लैमिना, अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, अब यह तीन एक्सिस है, तो ये रिजिड बॉडी जो है एक ही समय पे तीनों एक्सिस पे नहीं घूमेगी, पहले हम उसको जेड एक्सिस पे घुमा रहे हैं, फिर एक्स एक्सिस पे, और बाद में फिर वाई एक्सिस पे, तो एट ए टाइम हम एक्स एक्सिस पे उसको घुमाएंगे। ओके, तो मान लीजिए पहले जेड एक्सिस पे घुमाया हमने उसको, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा हमें इस रिजिड बॉडी का? आई जेड, आई जेड यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस जेड। अच्छा, फिर हम उसको एक्स एक्सिस पे घुमाएंगे, इस सब बॉडी को एक्स एक्सिस पे घुमाएंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा आई एक्स, और फिर हम उसको वाई एक्सिस पे घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा हमें आई वाई। ओके, आप बोलेंगे सर उसको हम कैसे घुमाएंगे उस एक्सिस, उस बॉडी को? देखो पहले हम उसको जेड एक्सिस पे घुमाएंगे, तो बॉडी कैसी घूमेगी? ये देखो ऐसी घूम रही है बॉडी, हाँ, ये जेड एक्सिस पे। ओके, ठीक है, अब हमने उसको एक्स एक्सिस पे घुमाया, ये देखो एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे घुमाया तो बॉडी ऐसी घूमेगी, इस प्रकार से बॉडी घूमेगी, है ना, एक्स एक्सिस पे।
अच्छा, और फिर वाई एक्सिस पे घुमाया इस एक्सिस पे, तो इस एक्सिस पे घुमाया तो बॉडी कैसी घूमेगी, ये ऐसी घूमेगी, लाइक वाइज घूमेगी कि नहीं, ऐसी घूमेगी। तो एट ए टाइम हम एक एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं उसको एक एक्सिस पे। तो पहले हम उसको जेड पे घुमा रहे हैं, फिर एक्स पे घुमा रहे हैं, फिर वाई पे घुमा रहे हैं। ओके, तो जेड एक्सिस पे घुमाया तो उस बॉडी का, रिजिड बॉडी का यानी प्लेन लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड आया। जब उसको हमने एक्स एक्सिस पे रोटेट किया तो वो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का आई एक्स मिला, और जब हमने उसको वाई एक्सिस पे घुमाया तो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें आई वाई मिला है। तो पहले ही मेंशन कर लेते हैं कि ये ओ क्या है, एनी पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी यानी प्लेन लैमिना, तो अभी हम शब्द यूज करेंगे प्लेन लैमिना। तो इसी थ्योरम ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस में ही हमें रिजिड बॉडी जो है उसके लिए प्लेन लैमिना ये वर्ड यूज करना है, ख्याल में रखिए, बाकी सभी जगह हम रिजिड बॉडी यूज करते हैं। अच्छा, आईजेड कौन है, तो आईजेड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लैमिना। प्लेन लैमिना यानी वो रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लैमिना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस जेड, है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस है ना जेड उस प्लेन लैमिना को। अच्छा, आई एक्स क्या है, तो आई एक्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लैमिना अबाउट एक्सिस एक्स, अबाउट एक्सिस एक्स। और आई वाई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लैमिना अबाउट एक्सिस वाई। यस, ओके, तो हमें यहां पे प्रूव क्या करना है, तो हेयर वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ये आई जेड इक्वल टू होता है आई एक्स प्लस आई वाई। ये आई जेड यानी ये आई एक्स और आई वाई इनकी प्लस, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रिजिड बॉडी है आपको मालूम है ये एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बनी हुई है, तो हम एक पार्टिकल लेंगे, एक पार्टिकल लेंगे इस पी पोजीशन पे, तो पी ए पोजीशन, यहाँ पे ये पार्टिकल है और उस पार्टिकल का मास है यम। तो इसमें पी इंटू यम, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं, ऐसा समझ, पी इंटू यम नहीं बोलना है उसको, इसमें पी ए पार्टिकल की पोजीशन है और यम उस पार्टिकल का मास है। ओके, तो अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, ये पहले ओ पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी ओ, इसको हम आर बोलेंगे। ओके, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया हमने जेड एक्सिस पे। ओके, फिर एक्स एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया दिस, तो ये एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस वाई, और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको हम x बोलेंगे। ओके, इस पॉइंट को नाम देंगे हम m और इस पॉइंट को नाम देंगे n। ओके, अब यहाँ फिर से वही प्रश्न कि सर ये z एक्सिस को ये जो डिस्टेंस है r, ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, x एक्सिस को ये डिस्टेंस y परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, और y एक्सिस को ये डिस्टेंस x परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि फिगर ऐसी नहीं है, फिगर ऐसी है, ऐसी फिगर है, ये z एक्सिस, ये z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ओके, और ये अभी हमने यहाँ पे पॉइंट लिया, वो यहाँ पे पॉइंट लिया P, यहाँ पे वो पार्टिकल है, तो देखो ये डिस्टेंस, तो ये देखो z को ये परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस z को क्या है, परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इस x को परपेंडिकुलर है, और ये डिस्टेंस इस y को परपेंडिकुलर है। यस, तो फिगर ऐसी नहीं है, ये प्लेन लेमिना ऐसी नहीं है, ये ऐसी है। ओके, और ये z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस,
ये वो पार्टिकल की पोजीशन पी, तो ये डिस्टेंस आर, ये आप देख रहे हैं, ओके, ये डिस्टेंस वाई और ये डिस्टेंस एक्स, ओके, हाँ, तो ये हमें प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक पार्टिकल लिया इस रिजिड बॉडी का, ओके, वो पी पोजीशन पे, उसका मास एम है और ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किए आर वाई और एक्स, ओके, तो वो सेंटेंस हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम, ये पार्टिकल इसका मास स्मॉल एम एट पोजीशन पी, पी पोजीशन पे, और फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, कौन सा ड्रॉ परपेंडिकुलर्स आर वाई एक्स, आर वाई एक्स ऑन, हाँ आर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके लिए, किसके ऊपर, ये जेड एक्सिस के ऊपर, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर्स, ये परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर्स ये ड्रॉ किए हमने आर वाई एक्स ऑन कहाँ पे, जेड एक्सिस, ओके, आर ये परपेंडिकुलर जेड एक्सिस पे, वाई ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, ओके, तो एक्स एक्सिस एंड एक्स ए परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे, तो एंड y एक्सिस, तो फिर से वो सेंटेंस बताइए जरा, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स r y x ऑन z एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ओके, ड्रॉ कर लिया। अब हम ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे पी एम ओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल पी एम ओ, फिर से वही प्रश्न कि सर पी एम ओ ये राइट एंगल नहीं दिख रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो फिगर ऐसी नहीं ऐसी है, तो वो फिगर ऐसी ड्रॉ की इसलिए आपको ये राइट एंगल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये राइट एंगल है, हाँ, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा पी एम ओ, हाँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, पी टी एन ए पाइथागोरस थ्योरम, क्या मिलेगा, देखो ये 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, मालूम आपको, तो ये क्या मिलेगा हमें, ओपी स्क्वेयर, ओपी स्क्वेयर इक्वल टू ये पीएम स्क्वेयर प्लस ये ओएम स्क्वेयर, है ना, हाइपोटेनस का स्क्वेयर इक्वल टू बाकी की बची हुई दो साइड के स्क्वेयर का सम, पाइथागोरस थ्योरम, यस। अब ये OP, OP यानी क्या है, R का स्क्वायर, PM कितना है, X का स्क्वायर, OM कितना है, तो आप बोलेंगे सर OM, ये OM यानी ही PN, ये Y है तो ये भी कितना होगा Y, है ना, और ये X है तो ये भी X, तो ये X है तो ये X, खैर हमें इस X की ज़रूरत नहीं है इसलिए वहाँ लिखेंगे भी नहीं, ये Y यानी ही ये Y, तो ये ओ एम यानी कितना वाई, तो वाई का स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ओके। अब ये हम इरेज करते हैं, इस पार्ट को इरेज हमने कर दिया, ओके, तो अभी हमारे पास क्या आया है ज़रा बताइए मुझे, तो आप बोलेंगे सर आर स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, अच्छा, तो ये पार्टिकल इसका मास m है, तो उसको दोनों साइड से उस इक्वेशन को इस पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हमारे पास है r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, तो इधर भी मास से मल्टीप्लाई किया, इधर भी मास से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट और राइट हैंड साइड में कुछ फ़र्क पड़ा क्या, नहीं, ये तो मास मास कभी भी कैंसिल हो सकता है, तो ये यम इंटू आर स्क्वेयर इक्वल टू यम इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस यम इंटू वाई स्क्वेयर सेपरेट कर दिया हमने, ओके, तो ये इक्वेशन मिला, लेकिन ये हमें बेटा एक पार्टिकल के लिए मिला, लेकिन मुझे बताओ ये रिजिड बॉडी यानी प्लेन लेमिना एक एक पार्टिकल की बनी है क्या, नहीं, ये तो n नंबर ऑफ पार्टिकल की बनी है, ये देखिए कितने सारे इसके पार्टिकल्स है, बहुत सारे इसके पार्टिकल्स है, इतने सारे n पार्टिकल,
लैक्स एंड क्रोज ऑफ पार्टिकल्स आर देयर इन जनरल, हम एन पार्टिकल्स बोलते हैं। यस, तो अगर ये इक्वेशन अभी एक पार्टिकल के लिए हुआ, अगर हमने सभी पार्टिकल के लिए इक्वेशन यूज किया तो सभी पार्टिकल की जो है, सभी पार्टिकल के लिए यूज करेंगे तो हमें समेशन लेना पड़ेगा। तो ये समेशन सिंबल है समेशन का, समेशन ऑफ एम आर स्क्वेयर इक्वल टू समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वेयर प्लस समेशन ऑफ एम वाई स्क्वेयर, ये मिला। तो ये क्या इक्वेशन मिला, सभी इस रिजिड बॉडी यानी प्लेन लैमिना के सभी पार्टिकल्स के लिए। लेकिन प्लेन लैमिना के सभी पार्टिकल्स यानी ही पूरी की पूरी वो रिजिड बॉडी यानी प्लेन लैमिना ही हो गई। तो ये इक्वेशन जो हमें मिला ये है पूरे के पूरे उस प्लेन लैमिना के लिए ये इक्वेशन मिला। तो अभी हाँ ये देखिए, मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला बताया, आई इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वेयर प्लस एम टू आर टू स्क्वेयर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वेयर प्लस अप टू एम एन आर एन स्क्वेयर, है ना। तो आप जो यहाँ ये प्लस 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 दिख रहे हैं तो एक्चुअली ये समेशन है, और बाकी देखो बर क्या है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ भी मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होता है, समेशन ऑफ मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये देखो बर क्या है, समेशन ऑफ मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो समेशन ऑफ मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। आप बोलेंगे सर अबाउट जेड एक्सिस कैसे, क्योंकि देखो यार समेशन ऑफ मास और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ अगर मुझे, ये आर, आर का स्क्वायर। तो ये आर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन से एक्सिस के लिए, तो आप बोलेंगे सर जेड एक्सिस के लिए। हाँ तो फिर वहाँ उस एक्सिस पे जेड एक्सिस पे इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, आई जेड, इसलिए आई जेड। अच्छा ये बताइए फिर उसी प्रकार से, तो समेशन ऑफ मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर यानी फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और वाई, आई वाई। तो फिर से आपका प्रश्न सर आई वाई कैसे, आई वाई कैसे, देखो तो ये पार्टिकल का मास यम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कौन सा, तो आप बोलेंगे सर ये एक्स, एक्स का स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन से एक्सिस पे है, तो आप बोलेंगे सर वाई एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, आई वाई। और इसी प्रकार से ये बताओ प्लस वैसे ही समेशन ऑफ m इंटू वाई स्क्वेयर, तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वेयर। तो ये पार्टिकल का मास m और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखो y, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, आई एक्स, आई एक्स, आई एक्स यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस, यानी जब ये बॉडी एक्स एक्सिस पे रोटेट होती है तब का उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स। तो आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स, तो इसी को हम प्रॉपरली लिखेंगे। तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स पहले लिख लिया प्लस आई वाई बाद में लिख लिया, तो ये हमें मिला, यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। अब हमें क्या लिखने का रह गया, स्टेटमेंट लिखने का रह गया, तो यही हम लेंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे। तो चलिए देखिए फिर, तो यहाँ से ही हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ये मैंने हटा दिया और हमारे पास अभी क्या है, तो आप बोलेंगे सर हमारे पास है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ओके, तो फिर ये आई जेड यानी कौन, तो आप बोलेंगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी यानी प्लेन लैमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट ये एक्सिस जेड, जेड एक्सिस मैंने बताया, जेड एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है उस प्लेन लैमिना को, तो शब्द आना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा, जेड, हाँ ये इज इक्वल टू, ये तो मालूम है आपको, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, हाँ क्या है ये आई एक्स और आई वाई की ये सम, तो इज इक्वल टू ये द सम ऑफ, द सम ऑफ, फिर से बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस जेड इज इक्वल टू द सम ऑफ, द सम ऑफ आई एक्स और आई वाई,
द सम ऑफ, हाँ ये आई एक्स और आई वाई, तो आई एक्स और आई वाई के लिए क्या लिखेंगे, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लैमिना अबाउट टू एक्सेस इन द प्लेन लैमिना परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर यानी आई एक्स और आई वाई एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, लेकिन दोनों जो एक्सिस है एक्स और वाई वो कहाँ है, इन द प्लेन लैमिना, इन द प्लेन लैमिना यानी ही उस प्लेन लैमिना में। ये देखो ये एक्स और ये वाई, ये दोनों एक्स और वाई एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, लेकिन कहाँ है, इन द लैमिना, लैमिना में है। देखो ये इन द लैमिना, तो ये आई एक्स और ये आई वाई, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस पे आई एक्स, वाई एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई, तो ये आई एक्स और ये आई वाई इनकी प्लस, यानी ये जो जेड एक्सिस है यहाँ पे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई जेड, तो ये जेड एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, आई जेड, तो आई जेड आई जेड आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। फिर से बताओ फिर क्या हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस जेड इज इक्वल टू द सम ऑफ ये आई एक्स और आई वाई, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लैमिना अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन लैमिना परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर यानी एक्स और वाई दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और एक्स वाई, एक्स और वाई दोनों कहाँ है, इन द प्लेन लैमिना है, इन द प्लेन लैमिना है, यानी दोनों एक्स और वाई ये लैमिना में है, दोनों एक्स और वाई लैमिना में है, लैमिना में है यानी एक्स और वाई ये प्लेन को पैरेलल है, ये एक्स भी प्लेन को पैरेलल है, वाई भी प्लेन को पैरेलल है, हाँ एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर है, और ये जेड जो है ये प्लेन लैमिना को परपेंडिकुलर है। तो क्या है ये फिर कि जो एक्सिस इस प्लेन लैमिना को परपेंडिकुलर होता है वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड इक्वल टू ये दो एक्सिस एक्स और वाई ये कहाँ पे है, इन द प्लेन ऑफ लैमिना है यानी उस प्लेन को पैरेलल है, तो दोनों एक्स और वाई जो प्लेन को पैरेलल है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सम यानी ये आई जेड, तो ये आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये हुआ बेटा थ्योरम ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस या प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके बेटा, सो काफ़ी हमने डिटेल में इसमें इसको देखा है, सो प्लीज़ गो थ्रू इट, कोई भी डिफ़िकल्टी रही तो आप मुझे कमेंट में बताइए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, थैंक यू।